हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। चैप्टर 4 में हम इस अमृता की एक कहानी पढ़ेंगे जो कि एक ट्रू स्टोरी है। ये बहुत ही पुराने टाइम की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब की स्टोरी है। तब क्या हुआ था अमृता के साथ, ये उसके बारे में। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम अमृता। बहुत पुराने टाइम में, बहुत पुराने मतलब लग कितना पुराना, 300 ईयर अगो, 300 साल पहले एक विलेज था जिसका नाम था खेजड़ी। यहाँ पर अमृता रहती थी। और जो खेजड़ी विलेज था वो कहाँ पर था, जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान जो है वो इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है। उसके अंदर उनका एक सिटी है जोधपुर, उसके अंदर खेजली एक विलेज है जिस जहाँ पर अमृता रहती थी। द विलेज गॉट हिज नेम। अभी अभी इस विलेज का नाम खेजली विलेज कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज ग्रो होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेजड़ी ट्री ग्रो होते हैं। अब जो इस गाँव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेक ए गुड केयर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। मतलब भगवान जी ने जो हमें एनिमल्स, प्लांट्स और ट्रीज दिए हैं, खेजड़ी ट्री के लोग, गांव के लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर जैसे गोट्स हैं, डियर हैं, हियर्स हैं, पीकॉक हैं, वो सारे आराम से फियरलेसली, मतलब किसी भी डर से फियरलेसली इधर उधर घूम सकते हैं। मतलब वहाँ के लोग खरगोश हैं या फिर हिरन हैं, पीकॉक हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं, वो सबसे प्यार करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, इसीलिए एनिमल्स भी नहीं डरते और वो भी आराम से घूम सकते हैं और वो बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि वो जो उनके एल्डर्स थे, उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को मानते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर दैट देयर एल्डर्स यूज टू टेल दैम। उनके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें अक्सर कहा करते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ हैं तो हम जिंदा हैं। क्यों क्यों ऐसा कहते थे भाई, क्योंकि जो पेड़ हैं वो हमें ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन से ही ज़िंदा रहते हैं ना, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या होती है, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो सब प्रोसीज जो है उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, वो हमें पेड़ देते हैं। एंड वो एक ये इट मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। क्या पेड़ पौधे और ये जो है एनिमल्स, वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते, लेकिन हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, अब क्योंकि हम इंसान हैं, हमें जैसे पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, कुछ लोग एनिमल्स का मीट खाते हैं और उनसे कुछ और चीज़ें जैसे मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, तो हम उन पे डिपेंड हैं, वो हम पे डिपेंड नहीं है। तो इसमें कहा, ये एक ट्रू स्टोरी है। दिस इज़, अब एक बार रीड करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, इन द विलेज कॉल खेजली लिव्ड अमृता। खेजली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजली ट्रीज दैट ग्रो दियर। द पीपल इन द विलेज ग्रेट टू ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल। गोट, डियर, हियर्स होते हैं खरगोश, एंड पीकॉक रोम्स फियरलेसली। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर वट देयर एल्डर यूज टू टेल दैम। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सर्वाइव विदाउट अस, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, ठीक है। अब इसमें एक मेन पॉइंट आता है कि खेजली ट्रीज हैं क्या, वट आर द खेजली ट्रीज। खेजली ट्रीज कुछ इस तरह के खेजली ट्रीज होते हैं, बड़े से, जो कि मेनली ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो खेजली ट्रीज हैं, ये जैसे ये जो खेजली ट्रीज हैं, एक्चुअली ये ट्रीज डेजर्ट में होते हैं, डेजर्ट में फाउंड होते हैं। जैसे हमारे जो इंडिया में राजस्थान है वो एक डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में ये ट्रीज ग्रो होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, तो क्यों, राजस्थान में पानी नहीं है, तो वहाँ ईजिली ये सर्वाइव हो जाता है, बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं होती सर्वाइव होने के लिए। तो इस वजह से जो इसके बेनिफिट्स हैं, मैं वो बता, इसकी जो बार्क है, ये देखिए बार्क, जो पुराने 300 पुराना
300 years ago की स्टोरी है ना, 300 years ago की स्टोरी है। तो उस टाइम पे तो डॉक्टर हॉस्पिटल तो कुछ भी नहीं थे, तो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए क्या हो तो वही पेड़ पौधे जो थे उनको ही, वहाँ उस टाइम के जो विद्वान थे पेड़ पौधों से ही मेडिसिंस बनाते थे और ट्रीटमेंट करते थे। तो इसकी जो बार्क है, ये जो तना, इसका जो पेड़ का तना होता है जिस पे हम ऐसा बना देते हैं, इससे भी वो मेडिसिंस बनाया करते थे, इससे मेडिसिन बनाया करते थे ताकि वो लोगों को ट्रीट कर सके। और इसकी इसकी जो फ्रूट्स होते थे बीन्स, जो इसकी हो इसकी जो फ्रूट्स होते थे इस तरह की, कुछ शेप की बीन्स शेप की होती हैं फ्रूट्स, ऐसे ग्रीन कलर की बीन्स होते थे, तो इसको सुखा के वो इसकी सब्जी बनाते थे, कुक करते थे। ओके, पीपल कुक एंड ईट द फ्रूट्स ऑफ द खेजली ट्रीज, इसको ड्राई करते थे, कुक बनाकर कुक करते थे। और इसका जो वुड है, इसका जो लकड़ी है, जो इसका वुड था खेजली ट्री का, ये जो वो इतना अच्छा होता था कि इसको कोई भी जो कोई किसी तरह का भी कोई इफेक्ट इंसेक्ट्स नहीं कर सकते। मोस्टली कई बार हम लोग पेड़ उगाते हैं या पौधे उगाते हैं घर में, वो कभी कीड़ा लग जाता है कुछ, लेकिन इसका इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है ये खेजड़ी ट्री की कि इसको कोई तरह का कीड़ा नहीं लगता, और उल्टा ये मेडिकल प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। और इसको पानी भी कम चाहिए तो डेजर्ट एरिया में बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है इसके जो जो एनिमल्स हैं उनको ये फूड भी प्रोवाइड करता है, एनिमल्स कैन ईट द लीव्स ऑफ द खेजी ट्री के जो लीव्स होते हैं वो एनिमल ईट कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें ये फूड प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे हैं, ये इतना शेडी ट्री है, इतना देखो कितना बड़ा शेडी ट्री है कि बच्चे यहाँ पर आराम से इसकी शेड के नीचे खेल सकते हैं, ठीक है। ये है ठीक, आराम से इसके नीचे खेल सकते हैं। तो इस तरह ये अमृता की स्टोरी है कि कैसे अमृता पुराने टाइम में यह है। और उसके आगे अभी ये स्टोरी है कि जो ट्रीज थे वो अमृता